तो फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की कक्षा में, जिसमें हम देवहूति माता को दिए गए उपदेश भगवान कपिल द्वारा पे चर्चा कर रहे हैं। और कुछ दिनों से आप भगवान के अलग अलग अंगों का वर्णन सुनते आ रहे हैं। तो आज जो श्लोक है, 25 नंबर का श्लोक का अनुवाद मैं फिर एक बार पढ़ूंगा कथा को शुरू करने के पहले। तब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमलनाल प्रकट हुआ। Someone saying my voice is little bit low, so I am increasing voice. I hope it's audible. You can chat and write. उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमलनाल प्रकट हुआ। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वासन स्थान है, वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान की स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकट मणि की जोड़ी के सदृश है और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। तो यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं और उसी तात्पर्य में प्रभुपाद भी बता रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं। उसी प्रकार हम भगवान हम ब्रह्मा जी के संतान हैं, तो हम भी भक्ति है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन ऑफ अवर्स इज वी आर डिवोटी, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम भगवान के सेवक हैं, है नहीं है, लेकिन हम इस भौतिक संसार में जब हमने शरीर को धारण किया, तो हम हमारी मन शक्ति हम भूल गए कि हम सच में भगवान ब्रह्मा जी के डिसेंडेंट हैं। हम भगवान ब्रह्मा जी के ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो अगर हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे ब्रह्मा जी भगवान के भक्त है, तो हम क्यों नहीं, हम भी भगवान के ही भक्त। लेकिन हमारी अवस्था प्रकृति के 3 गुणों के अधीन एक जीव भूल जाता है कि समस्त सृष्टियों जो माया सृष्टि है, उस माया सृष्टि की चकाचंद रोशनी में अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है, बहुत सुंदर टीका की है, और इसको हम आज हम इसको देवहूति माता को कपिल भगवान कह रहे हैं कि अब ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करने की विधि बता रहे हैं और ध्यान की पद्धति के विषय में आप सुन चुके हो पहले, कि सर्वप्रथम अपने शरीर को शुद्धि कर ले। क्या बताया गया है कि सर्वप्रथम हमें शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। शरीर की शुद्धि का मतलब क्या है? शरीर की शुद्धि का मतलब है कि हम जो हमारा शरीर है, भौतिक वस्तुओं पंच महाभूत से जो बना हुआ शरीर है, उस शरीर को शुद्ध कर ले। शुद्ध करने की पद्धति क्या है? तो शुद्ध करने की पद्धति है कि हम हर रोज सुबह स्नान करें। स्नान जो है उस पद्धति में आता है कि स्नान ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। जब हम इस शरीर की शुद्धता शुद्धिकरण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान लेके करते हैं, तो उस शरीर को शुद्ध करना ऐसा कहते हैं।
ये तो कोई कह सकता है मैं सुबह 9 बजे उठ के भी नहाता हूँ हर एक वक्त। इंडिया में तो एटलीस्ट ऐसी वातावरण की अवस्था है, वातावरण ऐसा है कि जिसके वजह से नहाना पड़ता है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में देखा गया है, क्या देखा गया है कि नहाने की ज्यादा प्रथा नहीं है। सच में ऐसा है, हम लोगों को अगर कोई कहे कि ऐसा है तो हम बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लेकिन जो भक्त लोग फॉरेन जा चुके हैं उनका आवागमन रहता है, जाके आते हैं, जो जो लोग ऐसे यूरोपियन कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं उन्होंने शायद ऐसा भक्त के समाज में नहीं लेकिन दूसरे के समाज में ऐसा लिखा है, ऐसा देखा गया है कि नहाने की प्रथा बहुत कम है। इफ यू आर एग्रीइंग विथ मी यू कैन चैट, अदरवाइज यू कैन डिनाई, नो इश्यू, बट है ऐसा। तो यहाँ पे शुद्धिकरण अपने जो अष्टांग योग है उसमें बताया गया है कि पहले हमारे शरीर को शुद्ध करें। शरीर को शुद्ध करना मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ के स्नान करना चाहिए, अपने शरीर को शुद्धता प्रदान करनी चाहिए। और हम अगर देखते हैं कि 8 अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये 8 अंग बताए गए हैं। इस 8 अंगों के माध्यम के अनुसार ही ये ध्यान करने की पद्धति बताई गई, ये अलग अलग प्रोसेस है और इसी को अष्टांग योग कहते हैं। और अष्टांग योग में देखा गया है कि अपने चित्त को भगवान के चरण कमलों से नाभि कमल से और मुख कमल तक ध्यान अलग अलग पद्धतियों से किया जाता है। और देखा गया है कि और ये पद्धति जो दिखाई गई है, क्योंकि पास्ट में प्रश्न उठे हैं कि ध्यान करें किसका करें और कैसे करें, क्योंकि ध्यान तो करने के लिए कहा गया है लेकिन करें किसका बाबा, और कैसे करें और क्यों करें, और क्यों करें, क्योंकि प्रश्न तो उठता है कि अगर ध्यान करने के लिए कहा गया है तो हमें करना क्यों चाहिए। ध्यान करना है तो सजीव से करें, निर्जीव से करें, किसके हाथ पांव से करें, कि बिना हाथ पांव वाले के करें। हाँ, ब्रह्म ज्योति भी तो है, भगवान की इंटेलिजेंस, किसके किसको ध्यान करें, किसमें ध्यान करें, ये प्रश्न हमेशा हमारे जीवन में रहता है के पास तो आ गया उसका आंसर, लेकिन ये एक प्रश्न है, प्रश्न उठता है। श्रोता भक्तगण साधक पूछ सकता है कि ये किसका हम किसका ध्यान करें, तो यहाँ पे गुरु का कर्तव्य बनता है कि उसका निर्देशन देना शास्त्रों के आधार पे। जो अपने आप को सरेंडर कर चुका है उस गुरु के प्रति, हमारे गुरु जो है हम जगत गुरु कहते हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य, इनको हम हमारे प्रेम को दर्शाने के लिए हम एक उपाधि दिए हैं उनको, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उसके बाद एक भक्त अपना प्रेम को जताने के लिए कहते हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पद्धति दी। यहाँ पे देख रहे हैं कि कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं ध्यान कैसे करें, और उसी के संदर्भ में हमें तात्पर्य हमें प्रभुपाद ने बताया, प्रैक्टिकल हाउ टू अप्लाई, कैसे हम ध्यान कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो संस्था है, प्रभुपाद ने जो गौड़ीय संप्रदाय जो बनाया उसमें सबसे बड़ा चैतन्य महाप्रभु भी इसी हमारे संप्रदाय में आप, और उन्होंने एक एक हरिनाम का महत्वपूर्ण अंग
भक्ति का जो हमें प्रदान किया, ये हरिनाम जो हमें दिया, वो हरिनाम पे ही हमारी संस्था टिकी हुई है। हम भक्त लोग, देखिए बहुत कनेक्शन है इसका, बड़े बड़े संस्थाओं को चलाने के लिए हमें शुद्धता की जरूरत होती है, एक फिलॉसफी की जरूरत होती है, और एक लीड करने वाले व्यक्ति की जरूरत। तो लीड करने के लिए हमें श्री प्रभुपाद आए, लेकिन प्रभुपाद हमेशा कहते थे, दिस विल गो ऑन फॉर एवर अनलेस एंड अंटिल यू सर्व विद द डेडिकेशन एंड चैंट योर राउंड स्टॉप। हमारी जो संस्था है ना, वो झपा पे टिकी हुई है। अरे प्रभु जी ये क्या कह रहे हैं, झपा पे? हम जप करेंगे और संस्था चलेगी, कैसे होगा? इसका कनेक्शन है, ध्यान है, ये भी एक प्रकार का, क्योंकि हम तो अष्टांग योग, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं अष्टांग योग करिए, लेकिन प्रभुपाद ने हमें अष्टांग योग का भी एक शॉर्ट फॉर्म दिया, एक शॉर्टकट दिया हमें। हमें क्या दिया? भक्ति योग दिया। डायरेक्ट ये प्रभुपाद की असीम कृपा है, नहीं तो हम यम नियम, आसन, जिस प्रत्याहार, ये सभी चीजों में ये प्रोसेस है, लेकिन क्या है कि गोल गोल घूमने वाला है। अंततो गत्वा भगवान के चरण कमल की सेवा, यही है। तो मेरा जो कहने का भाव है, जो वरिष्ठ भक्तों से चर्चा में सुना है, द चैंटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टू गो ऑन। ये जो हमारी संस्था है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए चैंटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जब अटेंटिव चैंटिंग करते हैं, हमारी चेतना शुद्ध होती है, और जब हमारी चेतना शुद्ध होती है, हम धीरे धीरे अपना भगवान के साथ जो संबंध है, उसको पुनः प्रस्थापित करने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। ये कैसे होता है? जब हम कोई हमारे जीवन में कभी कभी देखा गया है कि ऐसे रियलाइजेशन होते हैं जिससे हमारा भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। हमें ऐसे लगता है कि भगवान फोर्सफुली हमारे जीवन को चला रहे हैं, कुछ फोर्स है जो हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जिसमें हमें रियलाइज होता है कि नहीं, इसके पीछे भगवान की ही कृपा है। और इस कृपा को समझने के लिए एक भक्त को अपने चैंटिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है, देन ओनली ही विल रियलाइज, अदरवाइज ही विल सी हिज एफर्ट। कोई क्या कहेगा, क्या कोई सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की जिसके वजह से ये मुझे फल प्राप्त हुआ? नहीं भैया, सुन लीजिए, आज सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला जो प्राणी है मनुष्य में, जो हमारे रस्तों के ऊपर काम करने वाला, आज की कड़ी धूप में देखिए, उसके पास कोई शेल्टर नहीं है, लेकिन आपके लिए रोड बनाता है, रोड खोदता है, इलेक्ट्रिक केबल डालता है, पाइपलाइन डालता है, ब्रिज बनाता है, वो उसके ऊपर कोई शेल्टर है? सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति, लेकिन उनको फल प्राप्त हो रहा है? नहीं, इसलिए मेहनत करने वालों को फल प्राप्त नहीं होता, मेहनत करने वाले को फल प्राप्त नहीं होता है। मेहनत करने के साथ साथ अपने कर्म, मेहनत मतलब ऐसे नहीं पसीना निकालना, अपने नियत कर्म जो भगवद गीता में बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के जो कर्तव्य है, जो भी जाति में आप जन्म लिए हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि हम सब तो शुद्ध है, शूद्र है, हम शूद्र जाति के हैं, और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करें। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी संस्था जप पे टिकी हुई, क्योंकि जप करने से हमारी चेतना शुद्ध होगी, चेतना शुद्ध होगी तो हमें भगवान के साथ अपना जो संबंध है वो दास का है और दासानुदास का है, तो वो भाव हमारे हृदय में प्रकट होगा, और जिसकी वजह से हम सेवा प्रदान करेंगे, और जैसे ही हम सेवा प्रदान करते हैं वैसे ये संस्था बढ़ते जाती है, चलते जाती है, चलती।
जबकि हम देख रहे हैं अभी कुछ दिनों से हमारा रथ यात्रा फेस्टिवल चल रहा है, रथ यात्रा आने वाला है, कल है रथ यात्रा हमारी। हमने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मीरा रोड की रथ यात्रा हमने देखी, हमारे बम्बई और अलग अलग जगह पे असंख्य मात्रा में रथ यात्रा हुई। ये क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करने का भाव, ये जो सेवा है ना वो भी एक प्रकार का ध्यान है, ये भी एक प्रकार का ध्यान ही है। और ये भाव को प्रकट करने के लिए हमें हमारे जगत गुरु श्री प्रभुपाद ने हमें सारे माध्यम को प्रदान किया, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया, हमें एक मंदिर बना के, हमारे असंख्य मंदिरों बना के हमें भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए मौका प्रदान किया। सी इफ यू हैव 100 रुपीज, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, एंड यू हैव अ होल डे टू ईट फूड वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइक। हमें 100 रुपए दिए गए हैं और हमें कहा गया है ठीक है ये 100 रुपए लो, तो आप भूखा नहीं रह सकते, मीन्स आपके पास स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी खरीद के खा सकते, और आप अपने जीवन, एक दिन जो हमारा एक दिन है, हम कुछ भी खाए हम जी सकते। बट इफ यू डोंट हैव द 100 रुपीज नोट, देन वॉट यू विल डू, यू हैव टू वर्क समवेयर वेर यू गेट द, आपको एक दिन का लेबर मिलेगा, उसके बाद आप, आपको अगर पैसा मिला तो आप खाएंगे। सो आपको भोजन करने के लिए, आपको अपने दिनचर्या चलाने के लिए आपने कुछ काम किया जिसके वजह से आपको पैसा प्रदान हुआ, पैसा मिला, और आप उसके वजह से आप कुछ अन्न खा सके और अपना जीवन गुजारा कर सके। सो यू, पैसा नहीं था तो आपने कुछ ऐड किया अपनी लाइफ। बट यहाँ पे हमारे पास श्री प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ रेडी, वी हैव अवर टेम्पल्स, वी हैव अवर सिस्टम्स, सब कुछ है, तो हमें क्या करना? वी हैव टू जस्ट गो एंड सर्व, वी हैव टू जस्ट गो एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू सर्व। आपको उसके पीछे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, हाँ, अनलेस एंड अंटिल यू वांटेड टू एस्टैब्लिश वन न्यू सेंटर एंड देन स्टार्ट प्रीचिंग एक्टिविटी अगेन, बट स्टिल वी हैव, वी आर कनेक्टेड टू वन बिग टेम्पल, सो वी हैव द अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। जो प्रभुपाद, जो जगत गुरु हम उपाधि देते हैं, वही उपाधि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे गुरु श्री प्रभुपाद जैसे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उनको एम्पावर किया, ऐसे जगत गुरु ना थे ना होंगे आगे। ये जगत गुरु जो उपाधि है, जो सर्वस्व जानते हैं, सर्वस्व जानने वाले को गुरु कहते हैं, और वो सर्वस्व जानने वाले हमारे परम जो गुरु है भगवान श्री कृष्ण, और उस भगवान श्री कृष्ण का ध्यान देने की, ध्यान उनके ऊपर ध्यान लगाने की यहाँ चर्चा हो रही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु जो उपाधि है, और उन्हीं की शक्ति हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की, सबसे पहले एक्सपांशन की भगवान ने शक्ति है, वो है हमारे बलराम जी। बलराम जी को एक्सपांशन किया, जो बलदेव जी है वो गुरु तत्व है हमारे, जो गुरु का कार्य करते हैं। गुरु का अर्थ जो है, हम बहुत बार सुन चुके हैं कि हमें जो पथ प्रदान करता है, हमें डायरेक्शन दिखाता है, हमें कहीं भी जाना हो तो हमको पता है, पहले के जमाने में हम लोग गाड़ी रोकते थे, पूछते थे कहाँ है भाई ये एड्रेस, एक चिट्ठी में लिखते थे, और हम लोग उस एड्रेस को ढूंढते ढूंढते, कोई कोई दुकानों में पूछो, कोई कहीं पूछो, और फाइनली हम वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते। तो ये देखा गया है, तो अत्र तत्र वर्णन ऐसे शास्त्रों में आया गया है कि भगवान के को प्राप्त करने के लिए बहुत अलग अलग डायरेक्शन दी गई, लेकिन एक एक वैष्णव भक्त, एक जो
जो श्री प्रभुपाद के सानिध्य में भक्ति कर रहा है, तो प्रभुपाद ने हमें एक बहुत सुंदर प्रोसेस दिया जिसको हम भक्ति योग कहते हैं। और भगवद गीता में भी भगवान ने ये अलग अलग प्रकार के योग के बारे में बताया, सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित योग, ये अलग अलग योग के बारे में बताया। लेकिन फाइनली अर्जुन कहता है नहीं समझ रहा। अष्टांग योग अगर हम देखें तो अष्टांग योग आज के मेट्रो सिटीज में रहने वाले को तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि तो उसको ऑक्सीजन ही ठीक से पूर्ण मात्रा में मिलता नहीं है, तो उसका शरीर कैसे सुदृढ़ रहेगा ऐसी तपस्या करने। हम सुबह उठ के जप करते हैं लेकिन फिर भी हमें नींद आती, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव के कारण। वी स्टे इन अ वेरी क्लोज एटमोस्फियर, एसी की हवा में सोते हैं, क्या होता है, शरीर को हम पोषण नहीं ठीक से दे पा रहे। पोषण सिर्फ आंख सिर्फ मुंह से नहीं होता है, बहुत सारे उसमें क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे सुंदर ध्यान योग की जो बात हो रही है, वहां पे प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में तात्पर्य में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी हमारे परम पिता है, और ब्रह्मा जी जिस प्रकार शिशु नाल के द्वारा अपनी माता से जुड़ा होता है, उसी प्रकार पहले पहल जन्म लेने वाले प्राणी ब्रह्मा जी भगवान की परम इच्छा से एक कमल नाल द्वारा भगवान से जुड़े रहते हैं। तो जैसे इस भौतिक जगत में भी देखा गया है कि एक शिशु जो होता है वो अपनी माता के साथ एक नाल के द्वारा जुड़ा होता है, फिर वो डॉक्टर उसको काट देते हैं, कनेक्शन टूट जाता है, और फिर वो एक बच्चा बड़ा होता है और अलग अलग माध्यम से उसको भरण पोषण मिलता है। लेकिन यहाँ भगवान ब्रह्मा जी वो नाल में हम देखते हैं इसी चैप्टर थर्ड कैंटो में ही स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो हम देखते हैं कि सात भुवन ऊपर, सात भुवन नीचे, और बीच में भूवर लोक, और ऐसी प्लानिटरी सिस्टम, 14 प्लानिटरी सिस्टम उस कमल के नाभि में, कमल में है, और ब्रह्मा जी सबसे उच्चतर ऊपर कमल के ऊपर बैठे हुए हैं और सारी सृष्टि का सर्जन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान के पांव ने तथा जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी की माता कहलाते हैं, क्योंकि वास्तव में ब्रह्मा अपने माता के उदर से उत्पन्न न होकर भगवान के उदर से प्रकट हुए हैं। यहाँ पे भगवान के अंगों का वर्णन हुआ है। तो हम जैसे बद्ध जीव हम सोचते हैं कि कोई भी वस्तु का जन्म होता है, मीन्स यहाँ पे भगवान का जन्म हो रहा है, तो हम देखते हैं कि भगवान का जन्म हुआ तो किस पद्धति से हुआ, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हमारी जो चेतना है ना वो दूषित है। हम ये सोचते हैं कि हम कुछ अंगों से कुछ अंग का इस कार्य करते हैं, कि हम देखते हैं कि अगर हमें भूख लगती है तो हमारे पास मुंह और उसके अंदर दांत होना जरूरी है, तो हम उसे खाते हैं, शरीर का पोषण करते हैं। अगर हमें कुछ सुनना है तो हम इस कर्ण के द्वारा सुनते हैं, अगर हमें देखना है तो हम इस आंखों के द्वारा देखते हैं। लेकिन भगवान के लिए ये सब कुछ लागू नहीं होता। भगवान ब्रह्म संहिता में, जैसे यहाँ पे भी कहते हैं, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के प्रत्येक अंग में अन्य किसी भी अंग की शक्ति रहती है। तो ब्रह्म संहिता में 5th नंबर श्लोक में बताते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सद्वल उज्ज्वल उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। इस श्लोक का अर्थ ऐसे होता है, आई वर्शिप गोविंद द प्रीमियर लॉर्ड हुज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म इज फुल ऑफ ब्लेस ट्रुथ सब्सटेंस डिलिबिलिटी एंड इट दस फुल ऑफ द मोस्ट डैजलिंग स्प्लेंडर ईच ऑफ द लिम्स ऑफ दैट ट्रांसेंडेंटल फिगर्स पोजेसेस
इन हिमसेल्फ द फुल फ्लजेड फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गेन्स। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भगवान कोई भी अंग का कार्य, कोई भी अंगों का कार्य आप कोई भी अंग से कर सकते। तो कोई भी अंगों का काम, जैसे भगवान को हम भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते हैं तो भगवान खा जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता। तो भगवान किससे खाते हैं? भगवान आंखों से खाते हैं। अगर हमें कहा जाए कि मुझे कहा जाए कि तो ये प्रसाद है लेकिन आपको आंखें से खाना है, तो होगा? हमारा पोषण होगा? हमारे शरीर का पोषण होगा? नहीं, क्योंकि हम इस भौतिक संसार के बने हुए और हमें हमें इस संसार के नियम के अधीन है कि इफ अगर हमको इस शरीर को पोषण देना है, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी हमें जीवन सत्व की जरूरत है, तो हमें यहां से डालना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान के हर एक अंग, ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं कि हर एक अंग अपने कोई भी कार्य है कोई भी कर सकते। अगर हमको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना है तो हमें पैर की जरूरत है, लेकिन भगवान को नहीं। भगवान चित्त के द्वारा, मन के द्वारा ट्रैवल कर सकते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। भगवान पूर्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है। यहाँ वही बात हो रही, क्योंकि वह सब कुछ आध्यात्मिक है, अतः उनके अंग बद्ध भी नहीं है। भगवान अपने कानों से देख सकते हैं जबकि भौतिक कान केवल सुन सकता है। भौतिक कान क्या है? सुन सकता है। मैं बार बार अपने लेक्चर में बताता हूं कि हमें प्रभुपाद की असीम कृपा से शास्त्र मिले जिससे हम भगवान को, मीन्स ये शास्त्र क्या है, पढ़ेंगे और सुनेंगे, और सुनने के बाद हमारे पास एक क्वालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। हम भगवान को कह सकते हैं कि नो, हम भागवतम पढ़ के भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में ग्रहण कर सकते, देख सकते भगवान के स्वरूप। ये शास्त्र चक्षु है। शास्त्र क्या है? चक्षु है। ये शास्त्र के माध्यम से हम गोलोक वृंदावन कैसा है, शास्त्र के माध्यम से भगवान के भक्त कैसे हैं, शास्त्र के माध्यम से स्वयं भगवान की कांति कैसी है, शास्त्र के माध्यम से स्वयं भगवान त्रिभंग स्वरूप में कैसे दिखते हैं, ये हम ध्यान कर सकते। वाइल यूल चैंट, यहाँ पे क्यों ध्यान करने की बात आ रही? ध्यान करने की बात यहाँ आ रही है क्योंकि जब हम चैंटिंग करेंगे, व्हाट यू विल थिंक, व्हाट इज द रेट ऑफ माय शेयर, आज को हमें दिनचर्या में आज मुझे क्या काम करना है, आज क्या मेरा मीटिंग है, आज क्या होगा, कुछ गेस्ट आ रहे हैं, क्या बनाऊंगी, बहुत अलग अलग प्रकार के विचार करके आप चैंटिंग करें। नहीं, ध्यान लगाने की बात आ रही है कि भगवान के स्वरूप पे ध्यान लगाना है, भगवान की लीलाओं पे ध्यान लगाना है, और उसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम का पठन, जैसे एक भक्त का कल मैं इस लेक्चर के ऊपर रेफरेंस लेने के लिए सुन रहा था, तो क्या हो रहा था कि जो श्लोक है ना, आपने आज आज देखा होगा, थोड़ा प्रोनाउंस करने के लिए बहुत डिफिकल्ट, करेक्ट, मुझे भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, फिर भी बीच बीच में अटक गया। तो कह रहे थे कि ये प्रैक्टिस से होगा। संस्कृत भी जो है हम पढ़ते हैं, इतने प्रचलित लैंग्वेज है नहीं। हाँ, हम लोग तो सब बम्बैया हिंदी, बम्बैया इंग्लिश सब बोलते हैं, तो शुद्ध संस्कृत बोलने में हमें तकलीफ होती है क्योंकि हमारी जो लिप्स है वो उसके लिए फटाफट नहीं मैच कर पाती। तो वो बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम का रस आनंद प्राप्त करना है तो आपको उसमें गोथा लगाना पड़ेगा। गोथा लगाना मतलब आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और जब हम इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं तो भक्तों का एक्सपीरियंस है कि वो आनंद का अनुभव करते हैं, भक्ति में वृद्धि का अनुभव करते हैं, लेकिन हम उस पे समय ठीक से दे नहीं पाते। ये भागवतम इतना प्योर है कि
इस श्लोक में जैसे वर्णन हुआ है कि भगवान के एक-एक जो अंग है, जैसे यहाँ पे नादि नाभि हृदम, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि भगवान के नाभि कमल पे ध्यान करें। अभी नाभि कमल पे कैसे ध्यान करेंगे? आप तो जब नाभि देखोगे तो आपको अलग अलग व्यक्तियों की नाभि दिखेगी अगर देखियो। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे भगवान की नाभि कैसे, चंद्रमा के साथ वर्णन की गई है। चंद्रमा टेढ़ा भी होता है और गोल भी, पूर्णिमा का भी होता है, और कभी कभी चंद्रमा दिखता भी नहीं है। तो कौन सा चंद्रमा की नाभि है प्रभु जी बताइए? हाँ, अमावस वाली, पूर्णिमा वाली, क्या सप्तम अष्टम अष्टकम? हाँ, हमारा ये जो अष्टकम होती है, तो वैसे कोई आधा चंद्र वाला कैसा? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, कैसे वाले नाभि को हम ध्यान दें? तो ये जो नाभि है ना, बताते हैं, पूर्ण चंद्रमा के समान भी है, और जो अमावस के जो अमावस का जो चंद्रमा है उसके समान भी है। अगर कोई भक्त शास्त्रों के अध्ययन से नाभि को देख रहा है तो वो चंद्रमा है, पूर्ण पूनम का है चंद्रमा। लेकिन कोई नहीं देख पाता क्योंकि उसके पास शास्त्र चक्षु नहीं है, तो उसके लिए तो अमावस का चांद है। अमावस है। तो आचार्यों ने भगवान के रूप का जो वर्णन किया है ना, हाँ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि आचार्यों ने तो वर्णन किया है, लेकिन स्वयं कपिल भगवान अपने रूप का वर्णन कर रहे, माता देवी अपने ही रूप का। और जब कोई अपने बारे में व्यक्ति बताता है, वो सच बताएगा कि नहीं बताएगा? कोई व्यक्ति को बायोग्राफी लिखनी है, भगा दिया हमें। हम कुछ वर्ष के पहले दो तीन भक्त लोग महाराज जी के पास गए, महाराज आपकी बायोग्राफी लिखनी है। तो हमको तो यही था कि जो पहले हुआ है, जो महाराज जी के एक्सपीरियंस है प्रभुपाद जी के साथ, अपने परिवार के साथ जो भी हुआ है, वो अच्छे से अच्छा कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्या लगता है आपको? चैट में लिख के बताइए कि हर एक व्यक्ति के बारे में, अपने जीवन में क्या हुआ है, वो कौन बता सकता है? वही व्यक्ति बता सकता है जो खुद है। खुद को ही पूछ लो कि भाई आपके साथ क्या घटना हुई थी। हाँ, स्वयं ये क्या लिखा है? स्वता, ओके, मराठी में लिखा है, ओके, स्वता, ओके, गॉट इट, भावेश, वेरी गुड, वेरी नाइस, कि स्वयं बता पाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ पे वही हम देख रहे हैं कि कपिल भगवान देवती माता को डायरेक्ट बता रहे कि मैं कौन। स्वयं भगवान बता रहे, कोई और दूसरा नहीं बता सकता। तो ये बहुत सुंदर है, नाभि का वर्णन हो रहा है। और फिर बाद में यत्रात्मनो मन्यो निषिद्ध घोषी खिलोल कपद्मम, यहाँ पे दिख रहे हैं के पद्म की तरह उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड के आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमल लाल प्रकट हुई है। कमल लाल के समान नाभि से प्रकट हुए हैं। और बाद में यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि इसी तरह योगी को अपना मन भगवान की नागरों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकट मणि की जोड़ी के दशम सदस्य है, और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। मणि है विशेष प्रकार का, ये जो मणि है वो मणि ब्लू है जो भगवान पहनते हैं, लेकिन वहां से लाइट जो है ना, जो प्रकाश है, वो मणि जो चमकता है, वो श्वेत वर्ण का बताया गया, श्वेत। तो ये बहुत सुंदर वर्णन जो हो रहा है यहाँ पे के 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 भगवान को देखते हैं हम, भगवान को जब हम देखते हैं तो भगवान का स्वरूप हम शास्त्रों से कैसे देखें, यही अध्याय का परिभाषा है। इसी अध्याय में वही बताया गया है। बहुत लोगों की, भक्तों की प्रश्न होता है, जब भक्त परिपक्व होता है ना, तब
तब ये प्रश्न नहीं होता है। लेकिन जब इनिशियल स्टेज में कोई व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है तो उसका ये प्रश्न होता है, प्रभु जी भगवान को किसी ने देखा है? आपके मंदिर में इतने सारे भक्त लोग हैं, कोई है तो किसी ने देखा है? तो हम कहते हैं कि हाँ, जितने भी प्रचारक है ना, जितने भी प्रचारक है इस्कॉन के, उन सब भगवान के साथ रोज मिलते हैं। क्योंकि जो प्रचार करने का जो फोर्स है, वो फोर्स आता है शास्त्रों के अध्ययन से। एक बार मैं हरे कृष्णा टीवी में बता रहा था और बहुत उच्च वरिष्ठ भक्तों ने उसको ये स्टेटमेंट को बहुत ही आ, आ, आश्वासन दिया। ही सेड, नो प्रभु जी, दिस इज 100% राइट। जो भक्त प्रचार करता है, जो भक्त प्रचार करता है वो शास्त्रों को पढ़ता है, और जो शास्त्रों को पढ़ता है वो प्रचार किए बिना नहीं रह सकता। ये दोनों कनेक्टेड है। शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम भगवान को समझेंगे, और जब हम भगवान को समझते हैं तो हमारे हृदय में करुणा प्रदान होती है, जो प्रभुपाद को राधा दामोदर मंदिर में प्रेरणा प्राप्त। हम देखते हैं कि प्रभुपाद के पास सब कुछ था। प्रभुपाद के पास सब कुछ था मतलब धन दौलत शौहरत सब नहीं, वो तो था ही, उनके पास सब कुछ आने वाला था, लेकिन प्रभुपाद के पास एक एक अनोखा धन था, वो था कृष्ण प्रेम। भगवान के को रियलाइजेशन, भगवान साक्षात उनके जीवन में प्रेरणा देते थे, उसी फोर्स को लेके प्रभुपाद अमेरिका गए। और करुणा, क्योंकि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो जैसे हमारे जीवन में अलग अलग, हम पहले भी मैंने जो बताया कि अलग अलग गुणों का विकास होता है, और उसमें से एक महत्वपूर्ण गुण होता है करुणा, जीव दया। जीव दया कि हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिजी लाइफ जी रहे, अपने आप को सो कॉल्ड बिजी बता रहे हैं, तो मुझे समय नहीं। ठीक है, उसी भक्त को जब धीरे धीरे हम प्रचार करते हैं ना, उसके पास फिर समय आ जाता है। पूछा मैंने एक भक्त को, आप तो बोल रहे थे ना समय नहीं है, अभी कहां से समय आ रहा है, 24 घंटा ही है। लेकिन जब धीरे 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 भक्त प्रोसेस में जुड़ता है, ध्यान करने लगता है, जप करने लगता है, सेवा करने लगता है, तब उसके पास वो बुद्धि आती है, चक्षु आते हैं कि वो अपने टाइम को कैसे, समय सबके पास। यहाँ पे भगवान यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ध्यान करना है भगवान के अलग अलग अंगों के ऊपर, और जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम अलग अलग अंगों का, भगवान के अंगों का एक एक हम कह सकते हैं कि उदाहरणों के साथ हमें भगवान ने समझाया है, जिससे हम समझ सके भगवान के स्वरूप को। और ऐसा हम ये टॉपिक समझना चाहते हैं, इसके ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं, जिसको समझने के लिए रथी महारथी फेल हो गए। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नान बनते ज्ञानवान प्रपद्यत, भगवत गीता में बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई एक मनुष्य जो है, वो जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो तत्व ज्ञान को समझने की चेष्टा में लगा हुआ है, तत्व ज्ञान समझ। और उसमें से भी जो तत्व ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो हजारों हजारों, ऐसे में से कोई एक जो है जो मुझको समझ पाता है और भक्ति योग की तरफ बढ़ता है। इट्स अ वेर रेयर अपॉर्चुनिटी हमें जो मिली, तो हमें इस को समझना है कि इसीलिए भगवान का जो शरीर है वो शरीर आनंदमय है, पूर्ण आनंद से भरा हुआ है, और कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं भगवान, कोई भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो हमें इस अध्याय में यही देखना है, हम अब यही परिभाषा इस अध्याय की है कि हम भगवान के स्वरूप के, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान को स्वरूप को हम थोड़ा समझे कैसे दिख रहे हैं। जैसे एक बुक है हमारी आर्ट ऑफ चैंटिंग, जिसमें भगवान की जो अष्ट प्रहर लीला है, भगवान 8 प्रहर में रहते हैं,
और हर एक प्रहर 3-3 घंटे का होता है। तो उस अलग अलग प्रहर में भगवान क्या क्या करते हैं, जब वो गोलोक में थे, जो जब वो वृंदावन में थे, और उसके बाद वो जब द्वारिका गए। तो ये पूरी लीलाओं में भगवान 8 8 पार्ट में वैष्णवों ने, आचार्यों ने हमें बांटा है अलग अलग लीलाओं को। उस लीलाओं को जब हम स्मरण कर देंगे, उस लीलाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमारा चैंटिंग और प्योर होने की कोशिश में होता है। क्योंकि हम तो जब चैंटिंग करेंगे तो अलग अलग वस्तु तो हमारे दिमाग में आएगी। एक एक व्यक्ति था, वो कहता है कि प्रभु जी, मैं जब भी जप नहीं करता तब मुझे विचार नहीं आते कुछ ज्यादा, लेकिन जब जप करने लगता हूं ना, तो बहुत सारे विचार मन में आने लगते। मैंने बोला ये फैक्ट है, सबका एक्सपीरियंस होगा। जब हम बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ अलग अलग कार्य कर रहे हैं मीडिया पे, तब रात को क्या खाना बनाना है उसका टेंशन नहीं है, लेकिन जब हम घर में बैठते हैं तब फिर टेंशन में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आज रात को प्रसाद में क्या बनाए। ऐसा हुआ होगा, बहुत कुछ अलग अलग वस्तुओं को हम चिंतन करने लगते हैं चैंटिंग के समय। ये होता है जनरली, लेकिन अगर हमारे पास कुछ सोचने के लिए विषय हो ना, कि हमने शास्त्र में जो पढ़ा था, आज मैंने श्लोक में जो पढ़ा, प्रभु जी बता रहे थे, माता जी बता रही थी, तो अगर वो हम हियरिंग प्रॉपरली करेंगे, तो ये धीरे 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 धीरे, जैसे आज मैं सुबह भी बता रहा था, प्रभुपाद अपनी एक नाम अमृत बुक में बता रहे हैं, और उन्होंने भी, प्रभुपाद ने यही लिखा कि द चैंटिंग इज द मोस्ट एसेंशियल। प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स को अगर आप वैधि भक्ति से निरंतर करोगे, तो कनिष्ठ अधिकारी से आप मध्यम अधिकारी और उच्च अधिकारी तक पहुंच सकते हो। प्रभुपाद ने भी यही हमें मोड़ दिया, प्रभुपाद ने भी हमें हरिनाम संकीर्तन, वही हमारा आधार। और ध्यान दे के आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान के बारे में बता रहे हैं कपिल भगवान, तो आप ध्यान करके करोगे क्या, बस चुप बैठोगे तो ऐसे करोगे नहीं। चैंटिंग करने के समय इस अध्याय को हम ध्यान में रखें, भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, फिर कैसे प्लानिटरी सिस्टम बनी होगी, चिंतन करें, इसी को प्योरिटी ऑफ चैंटिंग कहते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, करेक्शन है तो बता सकते हैं, प्रश्न भी है तो पूछ सकते हैं, इफ देयर इज कमेंट।